नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम करवा चौथ का लव कनेक्शन में। और मैं हूँ आपके साथ पूजा। दर्शकों, करवा चौथ यानी कि प्यार का त्योहार, सजने सवरने का त्योहार। करवा चौथ के दिन हर पत्नी अपने पति के लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। ये त्योहार बेहद खास है और ये कार्यक्रम भी बेहद खास है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कैसे इस करवा चौथ आप अपने पति पत्नी के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो भी छोटी बड़ी कमियां हैं उसको कैसे दूर कर सकते हैं। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश विदेश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर अलंकृता मानवी जी। तो चलिए सबसे पहले अलंकृता जी का स्वागत करेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अलंकृता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार। नमस्कार, मैं अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज का ये जो हमारा स्पेशल एपिसोड है बहुत ही खास है, क्योंकि ये जो है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि ज़िंदगी के सबसे करीबी और सबसे गहरे रिश्ते के ऊपर आधारित है, वो है पति पत्नी का रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता जो जीवन का सबसे करीब रिश्ता होता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस रिश्तों में और हार्मनी, मधुरता और प्यार ला सकते हैं, और कैसे आप अपने छोटे छोटे झगड़ों को कम करके अपनी लाइफ को हार्मोनाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल अलंकृता जी, तो आपने जाना कि आज का दिन है बेहद खास, करवा चौथ का दिन है, और करवा चौथ के दिन पति पत्नी के रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है उसको लेके भी हम चर्चा करेंगे। पर राशियों से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि के जो भी जातक या जातिका है उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। जी देखें, आज का दिन स्पेशली ये जो हम कार्ड्स आज रीड करेंगे ये होंगे रिलेशनशिप के पे बेस्ड। स्पेशली आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई तकरार चल रही है या कोल्ड वॉर चल रही है या आप एक दूसरे से खुश नहीं हैं, तो देखते हैं कि आपके सितारे क्या कहते हैं। सबसे पहले मेष यानी एरीज राशि के बारे में बात करते हैं, तो टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है एरीज की लव लाइफ में, और खासकर पति पत्नी की जो आने वाली पूरा साल है वो कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू माई टायरो कार्ड्स। लेट्स सी, हियर वी गो। और ये रहे एरीज के कार्ड्स। देखिए, पीस ट्रीटी कार्ड है। बहुत समय से अगर आप एक दूसरे से नाराज हैं, तो ये जो टाइम आएगा द कमिंग वीक्स, आप लोगों के बीच में पीस ट्रीटी होगी, यानी आप दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी। उसके साथ साथ परिनिर्वाण कार्ड आया है कि बहुत आने वाला टाइम जो है तो आपको पीस, और क्योंकि ये जो सुलह होगी इसकी वजह से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो थोड़ी बहुत आपके बीच में मन मुटाव या नाराज़गी चल रही है उसको दूर करने के लिए आप अपने रूम में जो है ये डकलिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये लव डकलिंग्स हैं दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं, रोज़ क्वार्ट्ज की बनी होती हैं पूजा ये, और इसको आप अपने बेड साइड पे दोनों को प्लेस कर सकते हैं। छोटी वाली डकलिंग के नीचे आप अपनी पिक्चर लगाएं और बड़ी डकलिंग के नीचे हस्बैंड की पिक्चर लगाएं, और इस इंटेंशन के साथ इसे रख दें कि हम दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत पीसफुल है, बहुत हार्मनी है, और हम दोनों एक दूसरे का सहयोग करके ग्रो कर रहे हैं लाइफ। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आपकी शादीशुदा जिंदगी को बदल सकते हैं और खुशहाल बना सकते हैं। तो आज आप क्या करें क्या ना करें उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस करवा चौथ में आप अपने लव लाइफ को और कितना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए अलंकृता जी, चर्चा कर लेते हैं वृष राशि के बारे में कि उनका इस बार का करवा चौथ कितना स्पेशल होने वाला है। वृष राशि यानी टॉरियंस, लेट्स सी कि टॉरियंस की लव लाइफ में और मैरिड रिलेशनशिप में, मैरिज में क्या लिखा हुआ है। और करवा चौथ ये खासकर बहुत ही प्यारा त्यौहार होता है, जब बहुत अच्छा जेस्चर्स शो करती हैं सभी वाइफ्स अपने हस्बैंड के लिए, पूरा दिन उनके लिए भूखा रह के, और चाहती हैं कि उनके हस्बैंड्स की लंबी उम्र हो और वो उनकी हर बात को माने। लेट्स सी कि लेकिन वृष राशि खास करके अगर बात करें, टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है वृष राशि की किस्मत में। हियर वी गो, लेट्स सी क्या कहते हैं वृष राशि के सितारे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इनके सितारों में। टू फिशेस स्विमिंग टुगेदर, देखिए दो जोड़ा मछलियों का, ये अपने आप में प्रेम का प्रतीक है, यानी कि डीप लेयर्स से जो है वो रिश्ता बनकर आ रहा है।
जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ वृष राशि वाले, उनको विवाह के योग बनेंगे, और जिनका विवाह हो गया है उनके भी आपस में हैप्पी कपल पार्टनरशिप बनेगी और आपस में जो है बहुत अच्छा टाइम देखेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम रिश्तों को लेके केयरलेस हो जाते हैं पूजा, और केयरलेस ऐसे हो जाते हैं कि जैसे रिश्ते भी एक पौधे की तरह होते हैं, एक फूल की तरह होते हैं, उनको रेगुलर जो है हमें सींचना पड़ता है और नरिश करना पड़ता है, तभी वो फ्लरिश भी करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार रिश्ता स्मूथ चल रहा है तो आप अगले दिन जो है अपना सब भूल जाएं। रेगुलर शेयरिंग, रेगुलर केयर, रेगुलर एफर्ट्स जो हैं रिश्ते में रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे वो रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। और पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत ही डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता भी होता है, शिव शक्ति का मिलन होता है यहाँ पे। थोड़ी सी केयरलेसनेस जो है वो आपके रिश्ते में तकरार ला सकती है, तो बी केयरफुल कि आप रिश्तों में ध्यान दें, कि आप जो है अपने एंगर पे कंट्रोल रखें और कोई भी चीज़ ऐसी ना हो आपसे जिससे आपका पार्टनर नाराज हो जाए। उसके बाद एक छोटी सी टिप आपको देती हूँ, करवा चौथ टिप। आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अपने बेडरूम में, स्पेशली जो आपकी फ्रंट वॉल है, वहाँ पे अपने दोनों की हंसती हुई मुस्कुराती हुई पिक्चर को प्लेस कर दें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतर हो जाएगा आपका रिलेशनशिप इन द कमिंग टाइम। जी बिल्कुल, तो ये छोटे छोटे तकरार को आप प्यार में कैसे बदल सकते हैं, कैसे आप अपने रिश्ते को बेहतर कर सकते हैं, उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। आपके मन में भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स है तो आप इस कार्यक्रम में बने रहें, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान आपको बताया जाएगा कि कैसे इस करवा चौथ आप अपने जीवन में, अपने पति पत्नी के जीवन के रिश्ते में कितना सुधार ला सकते हैं, कैसा सुंदर बदलाव ला सकते हैं। बात करें मिथुन राशि के जातक के बारे में, तो उनकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। जी मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, लेट्स सी कि जेमिनी की किस्मत में क्या लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ लव, और इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा इनका दाम्पत्य जीवन। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है जेमिनी की किस्मत में, यानी मिथुन राशि की किस्मत में, जो भी पुरुष और स्त्री जेमिनी हैं, लेट्स सी कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स बताएं जेमिनी यानी मिथुन राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है और कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ और क्या लिखा हुआ है। देखिए, बहुत सारा फिनेंशियल गेन होने वाला है आप दोनों कपल को इस करवा चौथ के बाद आने वाले टाइम में। उसके साथ साथ अगर आप लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो आप जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा उतनी धनराशि या जॉब प्रमोशन या कहीं से आपको प्रॉपर्टी गेन हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय टैरो कार्ड्स। अगर रिलेशनशिप में आपको लगता है कोई चीज़ डिसकंफर्ट पहुंचा रही है तो प्रोटेक्शन अम्ब्रेला की ज़रूरत है। जिस भी गुरु को, देवी देवता को आप मानते हैं, आप उनके मंदिर जाएं और एक पीला रंग का कपड़ा और कुछ पीले लड्डू जो हैं वहाँ पे ज़रूरतमंदों को दान करें, तो आप देखेंगे आपके रिश्ते में भी बेहतरी आएगी। उसके साथ साथ एक छोटा सा करवा चौथ टिप मेरी तरफ से जेमिनाइज को ये है कि आप अपने बेडरूम में, खासकर आपका जो बेडरूम है वहाँ पे कपल में कुछ भी प्लेस करके रखें, जैसे हंस हंसनी का जोड़ा मैंने बताया, उसके साथ साथ आप पिरामिड भी प्लेस कर सकते हैं कपल में। आप कुछ भी, दो फिशेस स्विम कर रही हैं एक साथ, वो आप वो प्लेस कर सकते हैं। कुछ भी आप कपल में प्लेस करें और उसे इस तरह से इमेजिन करते हुए प्लेस करें कि वो आप दोनों हैं, तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में जो है वो मधुरता और भी बनी रहेगी। जी बिल्कुल, तो करवा चौथ का त्यौहार है पति पत्नी के खास रिलेशनशिप का त्यौहार है, तो पति पत्नी के रिलेशन में कई बार करवाहट पैदा हो जाती है, कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो आप इस रिश्ते को कैसे बदल सकते हैं, या यूं कहें लड़ते झगड़ते रिश्ते को कैसे सुधार ला सकते हैं, कैसे उस रिश्ते में प्यार की मिठास खोल सकते हैं, उस पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि करवा चौथ का लव कनेक्शन क्या है, पर चलिए जान लेते हैं कि जो भी कर्क राशि के जातक है, जो भी कर्क राशि के वाले लोग हैं, उनको इस चौथ में क्या कुछ खास करना चाहिए। जी कर्क राशि यानी कैंसेरियंस, लेट्स सी कैंसेरियन के कार्ड्स क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ लव एंड इन टर्म्स ऑफ मैरिज एंड दाम्पत्य जीवन, इनका कैसा रहेगा। कार्ड्स बताएं क्या लिखा हुआ है कर्क राशि यानी कैंसेरियंस की किस्मत में। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा डिसीजन जो रुका हुआ है वो डिसीजन आप दोनों, अब समय आ गया है कि ले लें, चाहे वो डिसीजन जो है वो जॉब को लेकर हो या प्रॉपर्टी लेने को लेकर हो या नया घर खरीदने से लेके कहीं शिफ्ट होने को लेकर हो, तो वो आप आने वाले समय में कर सकते हैं, तो वो लकी रहेगा। इसके साथ साथ ये द हॉर्स कार्ड इस वक्त लाइव मैंने कार्ड्स किए हैं आपके, और हॉर्स कार्ड ये दर्शा रहा है कि बहुत अच्छा टूर होगा आपका, ट्रैवलिंग आप दोनों के लिए
बहुत अच्छी रहेगी। बहुत समय से अगर आप दोनों ने कहीं ट्रैवल नहीं किया है तो जाइए, घूम कर आइए, इंजॉय करिए। आपका रिश्ता उससे जो है वाइब्रेशंस इंप्रूव होंगे और रिश्ता भी जो है वो ज्यादा हार्मोनाइज होगा, क्योंकि लाइफ में हमें लगता है कि हम पति पत्नी का एक खास कर ऐसा रिश्ता होता है क्योंकि बहुत ही करीबी रिश्ता होता है। तो कई बार अगर वो आपस में बात भी ना करें लेकिन उनके इनर थॉट्स और उनकी वाइब्रेशंस ही बहुत कुछ एक दूसरे को बता देती हैं बिना कहे। सो कीप अ चेक ऑन योर थॉट्स ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि आप को अपनी पत्नी से अगर आप गुस्सा है तो वो कह के ही बताना है, खुद ब खुद बहुत सारी चीजें जो है मेंटल वेवलेंथ से भी ट्रैवल हो जाती है। हम भी यही चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई नजर ना लगे, पर आप अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे आपकी जिंदगी में जो रोजमर्रे की जिंदगी में लड़ाइयां होती हैं आपके पति से या पत्नी से, उन रिश्तों में आप किस तरीके से मिठास उत्पन्न कर सकते हैं, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि इस बार का करवा चौथ आपके जीवन में किस प्रकार की खुशहाली लेकर आने वाला है, आपकी राशि क्या कुछ कहती है, और इसी के साथ अलंकृता जी चर्चा कर लेते हैं सिंह राशि के जातक के बारे में। जी, सिंह राशि यानी कि लियोज, आइए देखते हैं लियोज की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है लियोज की किस्मत में इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ दांपत्य जीवन और पति पत्नी का कैसा रहेगा ये पूरा साल करवा चौथ स्पेशली। Here we go, let's see क्या कहते हैं इनके कार्ड्स। परफेक्ट हार्मनी कार्ड आया है, दो पॉट एक साथ भर रहे हैं, दोनों मिलके ग्रो करोगे, दोनों मिलके अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें भी बहुत फायदा होगा। और आपके रिश्ते में अगर बहुत टाइम से कोई कोल्ड वॉर या मनमुटाव चल रहा है तो अब समय आ गया है कि आपको जो है इसमें राहत मिलेगी। और ये तारा दी वर्ल्ड कार्ड भी अच्छा कार्ड है, दिखा रहा है कि हर तरह की प्रॉस्पेरिटी आपके कदम चूमने वाली है। आप बहुत समय से अगर घर चेंज करने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो अगले साल आने वाले टाइम में आप ये भी करेंगे। थोड़ा सा रिश्ते में नेगेटिविटी आ सकती है एंड आप देखेंगे कुछ सप्ताह बाद, लेकिन वो आगे के फ्यूचर का कार्ड ये दर्शा रहा है। और नेगेटिविटी ना आए उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप बताती हूँ, शिव पार्वती की मूर्ति अपने घर में लेकर आए, शिव पार्वती गणेश की, और रोज उस पे आप जो है वो गंगा जल अगर दें। और स्त्रियां जो है इमेजिन करें कि शिव की जटाओं से गंगा बह रही है और वो उसमें अपने आप को खुशहाल देखें। अगर आप किसी और देवी देवता को मानते हैं कि या किसी और धर्म के हैं तो आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनकी आप तस्वीर या अगर आपके बुक के नीचे भी अपनी एक हस्ती मुस्कुराती पिक्चर रखें और उसके नीचे ये इंटेंशन 7 बार लिखकर छोड़ दें कि हम बिल्कुल खुशहाल हैं और एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की एनर्जीज के साथ बहुत सारा प्रॉस्पर्स कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उससे बहुत फायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल, तो सुना आपने कि कैसे आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। अलंकृता जी कन्या राशि के बारे में भी जान लेते हैं कि उनका इस बार का करवा चौथ कैसा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स सी पूजा की कन्या यानी कि वर्गोस, वर्गोस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ। टायरो बताएं वर्गोस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं कन्या राशि के सितारे इन टर्म्स ऑफ मैरिड लाइफ। लेट्स सी कैसी रहेगी इनकी मैरिड लाइफ इन द कमिंग टाइम्स। और ये क्या करें, देखिए बच्चे का योग दिख रहा है और बहुत सारी टीचिंग लर्निंग, रिश्ता हमें बहुत कुछ सिखाता भी है दोस्तों, कॉन्स्टेंट लर्निंग होती है। हम अपने पार्टनर को जो चीज़ें जो हैं यिंग और यांग एनर्जी का मिलन होता है पति पत्नी और स्त्री पुरुष के रिश्ते में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टीचिंग और लर्निंग, एक दूसरे को आप बहुत कुछ सिखाएंगे जीवन में। नेगेटिविटी आप फील कर सकते हैं यानी कि कोई थर्ड फैक्टर कई बार रिश्ते में बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर देता है, तो किसी तीसरे की बातों में आके अपने रिश्ते को ख़राब मत करिएगा। बहुत समय से अगर आपने अपनी पुरानी चीज़ें जो हैं वो दान नहीं किया तो उन्हें डोनेट कर दें, जैसे कि आपके पुराने कपड़े, जूते, चीज़ें जो आप दोनों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और घर में साफ़ सफाई का ख्याल रखें, उससे भी रिश्ते में और अपने बेडरूम में खासकर कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ ना रखें जिसका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया आप सॉल्ट लैम्प का यूज़ कर सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज़ के पिरामिड का यूज़ कर सकते हैं अगर आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं अपने रूम में। दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है बच्चों का सुख, तो यानी कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो मदर कार्ड है तो बहुत टाइम से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ चाइल्ड। जी बिल्कुल, इस पे तो हम चर्चा करेंगे बाकी की राशियों के बारे में भी, पर अलंकृता जी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कई बार रिश्तों में ये देखा गया है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है, लोग डाउट भी करने लगते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, तो क्या ऐसी वजह है कि ये डाउट वाला जो पार्ट है उसको खत्म किया जाए, कैसे इससे हम बच सकते हैं?
वो कहते हैं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या बंधन, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। अक्सर ऐसा हुआ है कि रिश्तों में जब जहां एक मनमुटाव हो जाता है या गांठ किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी दिमाग में घर कर लेती है, फिर वो रिश्ता धीरे 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 डाउनफॉल में जाने लगता है। तो ऐसा होने ही मत दें। सब में बड़ी बात है ऑनेस्टी। कुछ भी गलत भी हुआ है तो रिश्तों में ऑनेस्टी ज़रूर होनी चाहिए। रिश्तों में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। जी तो दर्शकों, आपने अलंकृता जी से जाना कि छह राशियों के जो भी जातक है उनका इस करवा चौथ पे क्या कुछ असर पड़ने वाला है और आप इस करवा चौथ को और कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जी अलंकृता जी, तुला राशि के बारे में जान लेते हैं कि उनका इस बार का करवा चौथ कितना स्पेशल होने वाला है। जी लेट्स सी कि क्या लिखा हुआ है। लिब्रास यानी तुला राशि की किस्मत में बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं ये लोग और रिश्तों में भी बहुत ज्यादा जस्टिस लविंग होते हैं। लेट्स सी कि क्या कहते हैं इनके सितारे इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ। लेट्स सी क्या कहते हैं इनके कार्ड्स और क्या इनको करना चाहिए रिश्तों को बेहतर करने के लिए। ये रहे इनके टायरो। तो अकॉर्डिंग टू माई टायरो, बहुत समय से फिनेंशियली अगर आप बर्डन फील कर रहे थे और रिश्तों में भी कई बार देखा है कि आपस में मनमुटाव होने लगता है कि फिनेंशियल बर्डन है, तो वो फिनेंशियल क्रंच जो है इस साल हो जाएगा दूर। इसके साथ साथ बहुत समय से अगर कपल में से किसी की सेहत ठीक नहीं चल रही थी तो उसमें भी बेहतरी होगी और ट्रैवल के योग भी दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई टायरो कार्ड्स इन दी राशि, मतलब लिब्रा। अगर कुल मिला के बात करें तो तुला राशि वालों के लिए उनका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखमय रहेगा। बस एक चीज का जो खासकर ख्याल रखना है वो ये है कि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिए, क्योंकि बहुत ही जस्टिस लविंग होती है राशि। जितना ज्यादा आप ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और शेयरिंग अपनी प्रॉपर रखेंगे उतना रिश्ता भी बेहतर होगा। जी बिल्कुल, पति पत्नी के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक दूसरे को लेकर विश्वास बनाए रखना। कैसे आप अपने रिश्ते में विश्वास की जो कमी आ रही है उसे दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पर फिलहाल चर्चा कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में कि उनका इस बार का करवा चौथ कितना स्पेशल होने वाला है। जी हाँ पूजा, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस जो होते हैं बहुत ही पैशनेट और बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव काइंड ऑफ लवर्स होते हैं और दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा इनके साथ लॉयल रहना पड़ता है। देखते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की किस्मत में इन टर्म्स ऑफ देयर मैरिज, इन टर्म्स ऑफ देयर लव। लेट्स सी कि क्या कहते हैं इनके सितारे। और देखिए रिलेशनशिप को थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत तो है इस वक्त, यानी कि बहुत समय से मनमुटाव चल रहे हैं, काउंसलिंग की ज़रूरत है, बैठ के एक दूसरे को समझने की, बातचीत करने की। कम्युनिकेशन जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को, चाहे फिर वो फीलिंग्स जो हैं कैसी भी फीलिंग्स क्यों ना हो, बट डू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर। व्हाइट तारा कार्ड आया है, प्योरिटी का सिंबल है। अगर आप देवी माँ की किसी भी प्रतिमा की उपासना करेंगे तो भी रिश्तों में बेहतरी आएगी। शिव पार्वती की उपासना कर सकते हैं, पार्वती माँ की उपासना कर सकते हैं, महिलाएं खासकर, तो बहुत फायदा पहुंचेगा। और प्रोटेक्शन अम्ब्रेला भी दिखा रही है, उसके बाद आपके रिलेशनशिप में जो है वो स्मूथनेस आएगी। जी बिल्कुल, कई बार लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है पर प्रॉब्लम से कैसे निजात पाया जा सकता है, कैसे आप अपने लव लाइफ में खुशियां ला सकते हैं, आज उसी पे चर्चा कर रहे हैं। और इस करवा चौथ में आप कैसे अपने पार्टनर को हैप्पी कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, साथ ही के साथ राशियों पे भी चर्चा कर रहे हैं। तो अलंकृता जी चलिए जान लेते हैं कि धनु राशि के जो भी लोग हैं उनका आज का दिन कहे या करवा चौथ का दिन कहे कैसा रहने वाला है। जी लेट्स सी कि धनु राशि यानी सेजिटेरियंस का कैसा रहेगा खासकर करवा चौथ और कैसा रहेगा आने वाला साल इन टर्म्स ऑफ लव एंड मैरिज। लेट्स सी कि क्या कहते हैं उनके सितारे। हियर वी गो, लेट्स सी कि क्या लिखा हुआ है उनकी किस्मत में इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। देखिए कि बहुत समय से अगर आप स्पेशली मेल पार्टनर्स किसी बात को परेशान है तो महिलाएं उन्हें सुकून पहुंचाएंगी, क्योंकि ये टेम्परेंस कार्ड का आने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई सुकून पहुंचा सकता है तो आपकी अपनी घर की महिला ही है उससे आपको। और कोशिश करें फॉर ऑल द मैन, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा लक्ष्मी आए तो अपनी घर की लक्ष्मी को खुश करिए, उन्हें मत रूठने दीजिए। तो उससे बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी होती है उनके फिनेंशियल गेन्स और ग्रोथ भी जल्दी होती है। और बहुत समय से बहुत सारी चीज़ें आपने अपने अंदर छुपाई हुई हैं, अपने अंदर तक रखी हुई हैं, अब समय आ गया है कि अपने अंदर के भाव को ठीक ढंग से प्रकट करें और जो भी आपके मन में चल रहा है अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपको लग रहा है कि वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, बट ग्रेजुअली दे विल अंडरस्टैंड, तो ऐसा आप ज़रूर करें। एक छोटी सी टिप आपको बताती हूँ जो कि रिलेशनशिप टिप है। अगर आप चाहते हैं, आप हिंदू धर्म में हैं तो आप
जैसे आपने देखा विष्णु जी और जो लक्ष्मी जी है उनके पैर दबाती हुई, ये तस्वीर जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आप प्लेस कर सकते हैं, तो इससे जो है पार्टनर्स में भी इक्वानिमिटी और हार्मनी बनी रहती है, इसके साथ साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। अगर आप हिंदू धर्म से नहीं है, जिस भी धर्म से हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 21 times, 7 times, or 3 times अपने दोनों कपल का नाम लिख के ये पॉजिटिव इंटेंशन डाल सकते हैं दैट यू बोथ हैव वेरी गुड एंड वेरी प्रॉस्परस एंड वेरी हैप्पी रिलेशनशिप एंड यू बोथ आर ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग टुगेदर, या जो भी आप चाहते हैं आप इस इंटेंशन को हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, बट प्रेजेंट टेंस में लिख के अपने घर के जो भी आप डिवाइन कॉर्नर है, पूजा कॉर्नर है, या नॉर्थ ईस्ट में जो भी कॉर्नर है वहाँ पर आप उसे छोड़ दें, उसके ऊपर पिरामिड प्लेस कर दें या कोई भी चीज़ जो है वो पेयर में प्लेस कर दें, तो देखेंगे कि रिलेशनशिप जो है वो हार्मोनाइज होने लगेगा, बेहतर होने लगेगा। जी बिल्कुल अलंकृता जी, मकर राशि के बारे में जान लेते हैं कि उनका इस बार का करवा चौथ कितना स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मकर यानी कैप्रिकॉन्स बहुत ही ज्यादा मूडी और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होते हैं ये। आइए देखते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन और इनकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, स्पेशली ऑन दिस करवा चौथ स्पेशल। हियर वी गो, लेट्स सी व्हाट इज देयर इन देयर टायरो पूजा। सबसे पहला कार्ड ये उठाते हैं, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपके रिश्ते में, हो सकता है आप अपनी जगह बदलें, हो सकता है आपके पार्टनर से जिस नेचर से आप परेशान हो वो उसमें कोई नए चेंजेस आ जाएं। कई बार देखा गया एक नई लर्निंग से भी लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंज आता है, तो आपके रिश्ते में एक नया बदलाव आएगा जो कि अच्छे के लिए होगा। जी बिल्कुल, इतने अच्छे अच्छे उपाय बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर यदि हम कुंभ राशि के बारे में बात करें तो कुंभ राशि वालों को क्या कुछ करना चाहिए इस बार करवा चौथ में? कुंभ यानी कि एक्वेरियंस जो हैं वो भी बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, बहुत रोमांटिक पोएम्स लिख सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। आइए देखते हैं एक्वेरियंस का कैसा रहेगा ये पूरा साल इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप और मैरिज में। लेट्स सी इनके मैरिड लाइफ में क्या लिखा हुआ है, कार्ड्स बताएं एक्वेरियंस की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। स्टेबिलिटी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। अगर बहुत समय से कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है या आपका पार्टनर किसी चीज़ को लेके कमिटेड नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है आपके टायरो कार्ड्स में। जैसे कि एक पीकॉक अपनी ब्यूटी नहीं खोता पॉइजनस स्नेक्स खा के या कुछ भी पॉइजन, उसी तरह से रिलेशनशिप में भी कई बार बहुत सारे आउटर इफेक्ट्स होते हैं जो नेगेटिव असर डालते हैं या आपके पार्टनर में। हर किसी में अच्छाई बुराई दोनों होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, वाइट नहीं होता, ब्लैक नहीं होता या बहुत बुरा नहीं होता, हम सभी ग्रे शेड्स के होते हैं, यानी कि अच्छे बुरे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को कई बार नज़रअंदाज करके भी हमें जो है अपनी खुशियों को ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हमारी खुशियां जो हैं वो हमारे अंतर अपने आप में डिपेंड करती है। अक्सर देखा है पूजा, हम कहते हैं कि हमें आई गॉट तुम मुझे हर्ट करते हो, वो सामने वाला पार्टनर हमें हर्ट नहीं करता है, हम हर्ट हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं अपनी वजह से। तो हर्ट ना हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर्ट हों या फिर ना हों, और आपकी कैसी एक्सपेक्टेशन है और कितना आप गिविंग साइड में हैं, कितना आप जो है रिसीविंग साइड में हैं, उस पर डिपेंड करता है रिलेशन। जी बिल्कुल अलंकृता जी, तो आखिरी राशि मीन के बारे में भी जान लेते हैं। जी मीन यानी कि पाइसियंस भी बहुत कमिटेड और फेथफुल पार्टनर्स होते हैं, अपने पार्टनर्स के लिए बहुत सेक्रीफाइसिंग भी होते हैं ये लोग। आइए देखते हैं पाइसियन फीमेल्स और मेल्स का कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन और शादीशुदा जीवन इन टर्म्स ऑफ टैरो। हियर वी गो, लेट्स सी क्या कहते हैं इनके सितारे। ये मैंने उठाया इनका कार्ड और पाइसिन्स मीन राशि है और मीन राशि से जुड़ा हुआ ही कार्ड भी आया है। थोड़ा सा बर्डन महसूस कर सकते हैं इन कपल को, मेरी एडवाइस है जितना आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, रिलेटिव से मिलेंगे और बाहर जाएंगे, उतना आप घर से बाहर निकलिए, हैव सम फ्रेश एयर। और बहुत समय से अगर आपकी वाइफ आपसे डिमांड कर रही है कि मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहे, तो लेके जाइए, हैव अ चेंज, उससे आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा फिनेंशियल बर्डन अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो कुछ चांदी के सिक्के एक लाल कपड़े में लपेट के बैठी हुई लक्ष्मी जी और बैठे हुए कुबेर जी के चित्र के नीचे रख दें, तो उससे भी आप दोनों के रिलेशनशिप में जो फिनेंशियल बर्डन आ रहा है उसमें राहत मिलेगी। और एक छोटी सी रिलेशनशिप जो मैं आपको देती हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में दबाव महसूस कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज अगरबत्ती अपने बेडरूम में घुमाइए और बेडरूम में फ्रेश एयर जरूर बेडरूम में आनी चाहिए पति पत्नी के, और कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कम से कम हो। जो आपका लिविंग रूम है वहाँ पर जितने ज़्यादा आप प्लांट्स रखेंगे, बेडरूम में नहीं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, अक्सर लोग बेडरूम में प्लांट्स कई बार रख देते हैं, पर कुछ प्लांटर्स अपने लिविंग रूम में लगाइए,
जी अलंकृता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस करवा चौथ को और भी ज्यादा स्पेशल बताने के लिए, छोटे छोटे टिप्स बताने के लिए हमारे दर्शकों को। अ वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं भी ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी का सुहाग बना रहे, आप सभी के रिश्तों में मधुरता रहे और आपके रिश्ते में हो जाए बहुत सारी कंपैटिबिलिटी और हार्मनी। जी जी हाँ दर्शकों, ये प्यार बेहद ही खूबसूरत है और करवा चौथ का त्यौहार भी बेहद ही खूबसूरत है। पति पत्नी के रिश्ते का त्यौहार है, तो आप भी अपने जीवन में इस त्यौहार को जरूर मनाएं, क्योंकि एक ऐसा त्यौहार है जिससे आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आ सकती है। हर पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है, तो हम भी यही कामना करते हैं कि जितने भी हमारे व्यूवर्स है उनके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप बने रहे। कोई भी परेशानी है वो अलंकृता जी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन उपायों को आप करें और उम्मीद करते हैं कि आपकी जीवन की छोटी बड़ी सारी परेशानी जो है वो दूर हो जाए। आप सभी को भी करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।